दरभंगा में अवैध उगाही करते हुए ट्रैफिक थाना अध्यक्ष कुमार गौरव ने फर्जी दरोगा को दबोचा। यूट्यूब देखकर सीखा कैसे करते हैं ट्रैफिक पोस्ट पर उगाही। दरभंगा यातायात थाना अध्यक्ष ने ड्यूटी पर तैनात एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार फर्जी इंस्पेक्टर की पहचान दरभंगा जिले के मनीगाछी थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गाँव निवासी विजय शाह के पुत्र अशोक कुमार शाह के रूप में हुई है। गिरफ्तार फर्जी दरोगा ने बताया कि वह पिछले 7-8 महीने से दोनार चौक मिर्जापुर चौक पर पूरे वर्दी में लैस होकर नो एंट्री में घुसे वाहनों व बिना हेलमेट के चल रहे बाइक सवारों को रोककर पैसे की अवैध वसूली किया करता था। इसमें सबसे मजे की बात यह है, जब भी ड्यूटी में आता तो अपने चेहरे से मास्क नहीं हटाता था, जिस कारण ट्रैफिक में तैनात सिपाही भी नहीं पहचान पा रहे थे और न पिछले यातायात थाना अध्यक्ष भी उसे पहचान पा रहे थे। गिरफ्तार फर्जी दरोगा ने बताया कि वह दरोगा की तैयारी काफी दिनों से कर रहा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसने पुलिस को बताया कि उसने 3 बार दरोगा भर्ती के लिए परीक्षा दिया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। उसने बताया कि उससे पहली बार दरोगा की परीक्षा में 147, दूसरी बार की परीक्षा में 175, जबकि तीसरी बार की परीक्षा में मात्र 90 नंबर ही आ पाया। इसके बाद उसने यूट्यूब देखकर दरोगा गिरी की तरकीब निकाली और हिम्मत जुटाकर उसने शहर के अति व्यस्त चौक दोनार और मिर्जापुर चौक को अपना ठिकाना बनाते हुए दरोगा का काम करना शुरू कर दिया। उसने पुलिस को बताया कि वह नो एंट्री में घुसे वाहनों और बिना हेलमेट के बाइक सवार को अपना शिकार बनाता था, जिससे वह प्रतिदिन 1,000 से 2,000 रुपए प्रतिदिन कमाया करता था। एसआई के पोस्ट पर काम करते थे, दो नारा ना कहीं मिर्जापुर में आकर काम करते थे। वन वे में जो भी कार्य आता था उसको रोकते थे, 1,500 रुपया उसका चालान कहते थे, चालान कटेगा ये तो मैनेज करना तो मैनेज करो, तो 500 जो भी हुआ होता था वो देकर चल जाता था। बस यही करते थे 8-9 महीने से। ये आइडिया आया कैसे? ये पहले हम तैयारी करते थे, दरोगा की तैयारी की, तो 3 बार एग्जाम दिया था, जिसमें 2 बार मेंस निकल गया, फिर मेरिट में छटा गया, 1 बार इस बार बैठे थे तो इसमें फ्री नहीं निकला है। तो यूट्यूब के अकॉर्डिंग सीखे है। कितने बार एग्जाम दे चुके हैं? 3 बार। 3 बार में मेंस में मेरिट नहीं बन पाया। कितना नंबर आया? नंबर जो फर्स्ट बार आया था 143 आया है, सेकेंड बार भी 175 आया है, और इस बार जाकर के कम आया है, 90 नंबर आया हुआ था। घर के लोगों को क्या बताते थे कि आप इंस्पेक्टर हैं, क्या बताते हैं? सर ट्रैफिक में हम इंस्पेक्टर हैं। घर के लोगों को बताते जी? तो घर के लोगों को क्या बताते कि आप पुलिस विभाग में हैं? जी। क्या लग रहा है जिस तरह का आप अभी काम आप पकड़ा गए हैं, आपको पुलिस ने कैसे पकड़ा? हम मिर्जापुर में 11 बजे आए हुए तो बैठे हुए थे चाय की दुकान पर, फिर आए सर, आए गौरव सर और दो सिपाही आए, बैठा करके गाड़ी में बैठा लिया। आपके साथ और कोई है क्या? जी नहीं, हमारे साथ और कोई नहीं। आपको इस बात का डर नहीं था कि किस तरह से ये काम कर रहे, कभी कभी पकड़ा जाएंगे? जी डर था। फिर अगर मान लीजिए आप दरोगा में फेल करेंगे तो और भी तो तैयारी थी, वो भी तैयारी आप कर सकते थे, पढ़ाई लिखाई कर सकते थे, कहीं और भी प्राइवेट में जॉब कर सकते थे? हमारा एम शुरू से सपना था वर्दी का, ऐसा चाहे बिहार पुलिस का हो या सिर्फ या कांस्टेबल के या दरोगा के, यही हमारा सपना था, हम वर्दी ये पहनेंगे सर। तो सपना पूरा करने के लिए फर्जी दरोगा बन गया? ये भी करते थे, तैयारी भी करते थे। कहाँ घर है आपका? जगदीशपुर। कौन था नाम? मनीगाछी। अब तो आपका सपना विजय साहब, अब तो आपका सपना टूटने वाला है, अब जेल चले जाइएगा तो अब क्या करिएगा? अफसोस हो रहा है इस बात का? जी बहुत अफसोस हो रहा है सर। क्या लग रहा है जेल से अब नई नौकरी खोजनी है? तुम जेल में पढ़ाई करना चाहेंगे? जी। क्या चाहेंगे? पढ़ाई उसमें बीपीएससी की तैयारी करेंगे सर। हाँ। और इससे भी हम सोचते हैं, सोचते हैं कि हम इससे भी बड़ा कोई ऑफिसर बन कर निकले वहाँ से सर। जेल में पढ़ाई करेंगे? जी। मामला यह है कि दरभंगा जिले के टाउन थाना क्षेत्र में मिर्जापुर चौक पर एक व्यक्ति ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। गुप्त सूचना मिलते ही नगर थाना की टीम वहाँ पहुँची और उस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। वह पूरे तरीके से पुलिस यूनिफॉर्म में था और एसआई का रोल निभाते हुए का फर्जी स्वांग रचते हुए लोगों को रोककर
ट्रैफिक वायलेशन के नाम पर उनसे वसूली कर रहा था। सर कितने दिनों से ये इस तरह का काम कर रहे थे, इसकी कुछ जानकारी मिली? उनसे पूछताछ की जा रही है, उन्होंने बताया पिछले कुछ महीनों से वैसा कर रहे थे। क्या क्या चीज़ बरामद हुई? कुछ आई कार्ड्स हैं, एक आध डॉक्यूमेंट्स हैं जो जिलादेश टाइप के हैं, जिनसे उनकी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा दरभंगा शहर में इस तरीके से, और वो भी उस इलाके में जहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है, तो इस तरह का अंजाम ये लोग दे रहे हैं। नहीं, उससे पूछताछ की, उसने बताया कि जब भी वो किसी पुलिस गाड़ी को, गश्ती गाड़ी को देखता था तो आसपास के दुकानों में या कहीं और छिप जाया करता था। बड़े ही चालाकी से ये खुद भी दरोगा एग्ज़ाम के परीक्षार्थी भी रहा है, इसलिए तौर तरीक़ों से वाकिफ़ है। फिजिकल वगैरह का एग्ज़ाम से निकाला है इसने, इसलिए सारे तौर तरीके, इसके पढ़ने उड़ने का तरीका जो था वो बिल्कुल। कहाँ का रहने वाला है? ये मधुबनी जिले का रहने वाला है। कुछ आई कार्ड्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। और इनके साथ और किसी का संलिप्तता दिखे जा रही है? नहीं, इस पर पूछताछ की जा रही है, फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा। सर इनकी जानकारी, नाम वगैरह वो साझा किया जाएगा प्रेस विज्ञप्ति में।